क्रिश्चियन बिलीवर चर्च की ओर से मैं डॉक्टर वंदना बेंजामिन और मेरे पासबान प्रकाश बेंजामिन आप सबका आज के प्रार्थना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जैसे हिरनी नदी जल के लिए हांफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूँ। ये वो बात है कि हम रविवार की आराधना की हमेशा याद करते रहते हैं कि कब संडे आएगा और कब हम प्रभु के भवन को चले, कब हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो आज वह समय है कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए आराधना की शुरुआत प्रार्थना के साथ करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज की यह आराधना प्यारे प्रभु आपको कबूल हो ऐसा होने दे। प्यारे पिता, हमारा गीतों का गाना, वचनों का पढ़ना, वचनों का सुनना और परमेश्वर हर प्यारे प्रभु विनती और निवेदन जो आपके सन्मुख हम रखते हैं सब कबूल कीजिए। प्यारे पिता, जितने हमें ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और परमेश्वर जो परमेश्वर आपकी बात जो रहे हैं उन सबको अपनी आशीष देना प्यारे पिता, और परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना को कबूल करना, यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विक्टर को कि वे आके हमारे लिए एक गीत को गाए। लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। ओहो नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम की ये राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। Hallelujah 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 Hallelujah। नारे लगाओ और गाओ रे,
झंडा मसीह का फहराओ रे, ओहो हो नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, हालेलुया लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का सच्चाई कोई न जाने रे, आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे, आंखें ऊपर को लगाओ यीशु के पास तुम आओ रे, डॉक्टर विक्टर। अब समय है कि हम भजन की ओर चले। आप मेरे साथ भजन पढ़ने में मदद कर सकते हैं। आज का भजन हमारे लिए आता है भजन संहिता 40, उसका 12 से लेकर 17 तक। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बाइबलों को अपने साथ रखे हैं, तो आइए हम एक साथ पढ़ें भजन संहिता 40 12 से 17 तक। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधम के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं, वे सब लज्जित हो और उनका मुख काला हो, और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, जो मुझसे आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे किए हुए उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। आइए हम एक साथ पढ़ें। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे मेरे परमेश्वर विलंब न कर। आमीन। ये भजन जो हम पढ़े हैं, ये दाऊद का भजन, जो एक प्रार्थना है। जब वो अपने चारों ओर देख रहा है, तो उसके शत्रु उसके चारों ओर खड़े थे, और वो प्रभु से ये विनती करता है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, मुझे छुड़ा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
दाऊद ने एक बात को अपने जीवन में पकड़ के रखा कि वो प्रभु के साथ चलता रहा, और इसीलिए परमेश्वर उसकी को छुड़ाता रहा, और जब जब वो पुकारता था परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता था, और जब परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना तब तब परमेश्वर ने उसकी सुधी ली। हाँ, आज भी हम प्रार्थना के निवेदन प्रभु के सन्मुख अगर रखते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनता है। आप निराश ना होइए, पर आप विश्वास रखिए कि आपके प्रार्थना निवेदन प्रभु सुनकर परमेश्वर कार्य करता है। देर हो सकती है पर परमेश्वर अपने कानों को अपने भक्तों की ओर लगाता है और उनकी विनतियों को पूरा करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे दाऊद ने हमें ये सिखाया और हमें ये बता रहा है कि उसने आशा लगाए रखी, और उसको मालूम था उसकी सहायता कहाँ से मिलती है। भजन संहिता 121 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, वही यहोवा आज भी जीवित परमेश्वर हमें सहायता देने के लिए खड़ा है, बशर्त हम एक आवाज प्रभु को कहे दे, एक शब्द कहे प्रभु से, और प्रभु आपके सन्मुख है। तो आइए हम इन बातों से अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ करें और कहें, आप मेरे सब कुछ है और आप ही मुझे लेकर चलते हैं, ले चल मेरी आत्मा को प्रभु और चला मुझे। यही इन बातों के साथ हम आज का ये भजन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आमीन। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए, अब समय है कि हम स्तुति और आराधना में डॉक्टर विक्टर के साथ जमा हुए। वर्शिपिंग एंड प्रेजिंग आर द टू थिंग्स विच एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड। वर्शिपिंग गॉड फॉर हु ही इज, हम प्रभु को आराधना क्यों करते हैं, वर्शिप क्यों करते हैं, क्योंकि वह प्रभु है। हम स्तुति क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करता है। प्रेजिंग हिम फॉर ऑल ही हैज डन एंड इज गोइंग टू डू। स्तुति जब हम करते हैं तो हम एक थैंक गिविंग प्रभु को देते हैं, और उतना ही नहीं पर हम ये परमेश्वर को बताते हैं कि हम आपको की स्तुति करते हैं कि आपने हमारे लिए जो भी किया है और आने वाले समय में जो करने वाले हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि वर्शिप एंड प्रेज, ये दोनों
प्रभु कबूल करता है. प्रेजिंग गॉड फॉर वॉट ही हैज डन एंड वॉट इज गोइंग टू डू फॉर यू एंड वर्शिपिंग गॉड बिकॉज ही इज अवर ऑलमाइटी गॉड. तो आमंत्रित करते हैं डॉक्टर विक्टर, सिस्टर अनामिका कि वे हमारे लिए स्तुति और आराधना के गीतों को गाए और हम सब उस गीत में जुड़े और परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे सन्मुख हमारे घर पर महसूस करें. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. आज के शुभ दिन में हम आपका स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं. खुदा हमसे प्यार करने वाला प्रभु है, हमारे जीवनों पर अनुग्रह करता है, हमारे जीवन के हर दिन को खुदावंद आशीषित करता है. हालेलुया. क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं. हम लोग आराधना में प्रवेश करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं. तो मैं विनती करूँगा आप जो भी जहाँ भी हमें देख रहे हैं आराधना में हमारे साथ जुड़ जाए, प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए जुड़ जाए, क्योंकि वो महान सामर्थ्य प्रभु है जो हमारे जीवनों के बड़े कामों को करता है. वो ऐसे कामों को करता है जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो मनुष्य कल्पना नहीं कर सकता, जो मनुष्य सोच नहीं सकता, उससे बढ़कर वो हमारे जीवन में आशीषों के कामों को करता है. हालेलुया. वो आशीष के काम क्यों है? क्योंकि वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं. प्रेज जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो आइए प्रभु की स्तुति महिमा और आराधना करेंगे. जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. आज काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है जल्दी जुड़ने का. सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे. यस. और आप जब हमें देख रहे हैं, अगर आप किसी आपके फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट कर सकते हैं इस सर्विस में तो ज़रूर करने पाए, है ना. वीडियो शेयर करें उनके साथ, कमेंट्स करते रहें और आराधना में जुड़ जाए. सारी व्यर्थ की बातें को कुछ समय के लिए आपके जीवन से दूर करें. कहें प्रभु से, तू मेरे लिए नए मार्ग को खुलता है, तू मुझे नई कृपा में चला दे प्रभु जी, नए बल से तू मुझे भर दे पिता परमेश्वर. हालेलुया. आइए स्तुति महिमा करेंगे प्रभु के लिए, कुछ गीतों को गाएंगे और आराधना में हम प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे. क्या आप तैयार हैं? हालेलुया. आइए स्तुति करेंगे प्रभु के उसके नाम. चला दो नई कृपा से मुझे भर दो. नए दिन में मुझे चला दो. कहे नई कृपा से मुझे भर दो. नए दिन में मुझे चला दो. नई कृपा से मुझे भर दो. एक बार. नए दिन में मुझे चला दो. नई कृपा से मुझे भर दो. नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा. नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा. नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो. हालेलुया. नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो. शुरुआत छोटी होगी अंत में संपूर्णता. शुरुआत छोटी होगी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. अंत में संपूर्णता. शुरुआत छोटी होगी अंत में संपूर्णता. शुरुआत छोटी होगी अंत में संपूर्णता.
जरूरत पूरी हो जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। सुखापन खुशहाली में हो, दिल से कहे प्रभु से मेरा सुखापन खुशहाली में हो। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, हम सभी को नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई दिन में मुझे चला दो और नई कृपा से मुझे भर दो। हालेलुया। नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो। लज्जा के बदले में भलाई को दे दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई को दे दो खुदा, लज्जा के बदले में भलाई को दे दो खुदा, लज्जा के बदले आंसुओं के बदले में, मेरे आंसुओं के बदले में क्या दे, खुशी को दे दो खुदा। हालेलुया। मुझे खुशी को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नई कृपा को दे दो खुदा। मुझे चला दो, yes, नई कृपा से मुझे भर दो। क्या कहे, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। मुस्कुरा कर आराधना करे, कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। नई दिन मुझे चला दो, yes, नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई दिन में मुझे चला, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा से मुझे भर दो। Praise Jesus, hallelujah। जब हम प्रभु से मांगते वो अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर हमें देता है, जो भी हम मांगते हैं। जब हम आशीष को मांगते हैं वो आशीष देता है। आज आपने नई कृपा को मांगी है, हम विश्वास से रिसीव करें, ग्रहण करें विश्वास से कि खुदा आपको नई कृपा से, नए बल से परिपूर्ण कर रहा है। खुदा नए बल से आपको भर रहा है। हालेलुया। आइए स्तुति महिमा करते हुए और आगे बढ़ेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, गीतों को गाते हुए जो हम आराधना कर रहे हैं, प्रभु से कहेंगे खुदावन हम तेरे घर में आए हैं, और जहां प्रभु का घर है वहां आनंद होता है। मैंने कहा क्या होता है, आनंद होता है, हम आनंद को मना रहे हैं। सो प्रभु से कहेंगे मैं तेरे घर पे आया हूँ, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मैं तेरा प्यार करने वाला हूँ। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से प्यार करने वाले हैं, कमेंट्स में जल्दी से लिखकर मुझे बताएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गीत गाएंगे जो कहता है दरबार में हो तेरी स्तुति और दरबार में हो आराधना। हालेलुया। आइए स्तुति और आराधना करेंगे प्रभु की और उसके नाम को महिमा देंगे। वी प्रेज यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू यू फादर। ग्लोरी टू यू फादर। थैंक यू जीसस। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ
यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, कह सकते हैं मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। ताली बजा कर आराधना करते रहे। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना कहे, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। थाली बजाए प्रभु के लिए। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा कहे, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा, आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा, यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा, तू जो दूंगा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मिलके, आया हूँ बार, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, ये दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, ये दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, स्तुति करते हुए। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा कहें, मिलके आशिक हूँ मैं तेरा,
आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। कह सकते हैं आप, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। क्या आप नाच रहे हैं? आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। आशिक तेरा आया हूँ, आया हूँ मैं यहाँ। कहाँ? यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो प्रभु जी। हम आपके घर में हैं, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होने पाए मेरे प्रियो। When we worship, we should be like angels. ऐसी आराधना हमारे हृदय से निकलनी चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु की ओर अपनी दृष्टि करें और कुछ समय अपने मुख को खुलकर धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम को धन्य कहते हैं यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, यस फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, वी गिव यू ग्लोरी फादर, वी गिव यू ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम आपके साथ को चाहते हैं खुदा, हर पल हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हमारे जीवन में जो भी समय से हम गुजर रहे हैं वो सब प्रभु के हाथ में सौंप दे। इस समय सिर्फ प्रभु को याद करें, हालेलुया, प्रभु की आराधना को, आराधना की ओर अपने ध्यान को करें। Whatever difficult times of life you are going through, don't remember the difficult time, but remember your God is a powerful God. Hallelujah. Your God is a powerful God. Yes, Jesus. To deliver you. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Open your mouth, yes, open your mouth. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Online worship क्यों ना हो, आराधना उसी तरीके से करनी चाहिए जैसे आप करते हैं। Thank you, Lord. Thank yes. Thank पिछले सप्ताह हमने सुना, हमारा प्रेम प्रभु से ठंडा हो चुका था, yes, पर आज प्रभु को अपने प्रेम को दिखाए जो आपने लास्ट संडे प्रभु से प्रार्थना की। Yes, Father. Thank you, Lord. कहे मेरा प्रेम ठंडा हो चुका था खुदा, yes, मेरा प्रेम वापिस तूने जगा दिया खुदा। Yes, Lord. उस प्रेम को वापस तूने जगा दिया खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे साथ रहना ओ यीशु, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। मेरे साथ रहना यीशु, मैं
तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे साथ रहना। दिल से कहे हालेलुया कह रहे, अपने हाथ को उठाए। हालेलुया हालेलुया, मेरे साथ रहना खुदा, मेरे साथ रहना। ओ यीशु मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। यस फादर वी लुक टू यू जीसस, मेरे साथ रहना। के समय मेरी माँ बन गया, आंसुओं के समय मेरे पिता बन गया। दुखों के समय मेरी माँ बन गया, आंसुओं के समय मेरे पिता बन गया। मेरे साथ रहना, दिल की गहराई से कहें, ओ यीशु मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। यीशु मेरे साथ रहना, ओ यीशु मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। हालेलुया कहें, दिल से कहें, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम की दुहाई ईशुए। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम की दुहाई ईशुए। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में यीशु नाम की दुहाई। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, दिल से कहें, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम की दुहाई यीशु ए। यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम की दुहाई यीशु ए। ईशुए 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 ईशु नाम में ईशुए 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 Yes.
हूँ ईशुए। ईशु नाम में चंगाई है जो जीवन को बदलता है, ईशु नाम में रिहाई है हमको आजाद वो करता है। ईशु नाम में चंगाई है जो जीवन को बदलता है, ईशु नाम में रिहाई है हमको आजाद करता है। ईशु नाम में चंगाई है, ईशु नाम में रिहाई है, ईशु नाम की भलाई ईशु है। ईशु नाम में नाम में है, इस नाम की दुहाई यीशु है। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में रिहाई है, इस नाम की दुहाई यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल की गहराई से आने दे, जो भी आपके दिल के अंदर है प्रभु के सामने बोल दे। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़, ऐसा कौन सा खुदा है जो हम पुकारते तो दौड़ता है। जब मैं गिरूं हालेलुया कहें, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आइए कलीसिया अपने हाथ उठाकर हाले हालेलुया, 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 खुदावंद हमारी आराधना एक आशीषों को लेकर आने पाए, हमारी आराधना पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली आराधना बनने पाए, बंधनों को यीशु के नाम से तोड़ने वाली आराधना बनने पाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आराधना में सामर्थ को देने वाले खुदा आप हैं। फादर वी प्रे एट दिस मोमेंट राइट नाउ, वी प्रे फॉर द वर्ड व्हिच इज गोइंग टू कम, ब्लेस द वर्ड, ब्लेस द पावरफुल वर्ड यीशु के नाम से। खुदा उस वचन को आशीषित करते हैं, वी रिसीव द ब्लेसिंग्स पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हर उन आशीषों को जो आपने हमारे जीवनों के लिए रखी है, हमें सिखाने के लिए रखी है खुदा, हम हमारे जीवनों में ग्रहण करते हैं, हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण बनने पाए।
आपके दास के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द हमारे जीवन की उन्नति का कारण होने पाए प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु जी, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीषित कीजिए। जिसकी जो समस्या है प्रभु जी, जो प्रेयर रिक्वेस्ट है पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब अलग अलग तरीके से अपने जीवन में गुजर रहे हैं प्रभु जी, अलग अलग दौर से गुजर रहे हैं, अलग अलग मुसीबत से, परेशानी से, कमजोरी से, बीमारी से गुजर रहे हैं। खुदा आप सब जानते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन तमाम लोगों के लिए, खुदावंद यीशु के नाम से, आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर, लोग चंगाई पाने पाए, जो कमजोर है वो यीशु के बल को प्राप्त करें, आपके पवित्र लहू को लगाते हैं। जो बीमार है वो चंगाई पाए, जो बंधन में है उनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। थैंक यू जीसस फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंस, थैंक यू होली स्पिरिट फॉर being with us and touching us and helping yes, us. Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. इस बिनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की उपस्थिति के लिए धन्यवाद दे। अपने अपने घरों में ताली क्यों ना बजाए प्रभु के लिए हम धन्यवाद देते हुए। Yes, Father, praise the Lord. हाँ, आप घर में आराधना कर रहे हैं पर आप सारी चीजों को भूल ना जाए। हमारे लिए प्रभु ने सब कुछ अच्छी बातों को करके रखा है। हालेलुया। रिसीव द ब्लेसिंग्स व्हिच गॉड हैज केप्ट फॉर यू टुडे। जैसा हम आपको कहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। आगे का समय प्रभु के दास हमें उनके वचनों से तृप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Thank you, Dr. Victor, for the beautiful worship and praise and leading us to the throne of the Lord. हम आमंत्रित करते हैं हमारे पासवान रेवरेंड प्रकाश बेंजामिन, जो आकर परमेश्वर का वचन हम सबको दे। और ये वचन जब आप अपने जीवन में लेते हैं तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से हमने एक अच्छा निर्णय लिया है, खुदा के चरणों पर बैठे हैं। मार्था की तरह आज हम अपने संसारिक कामों में नहीं हैं, लेकिन मरियम की तरह यीशु के चरणों पर बैठे हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने जो भाग चुना है उससे वो कभी छीना नहीं जाएगा। तो यू आर द ब्लेसड पीपल ऑफ गॉड। God has chosen each and every one of you, and I believe today God has kept and planned to bless your family, bless yourself, bless your spiritual life, and God has everything good today for you. Parmeshwar ka dhanyavad dena chahte hain ki uski kalpnaye, uski ichchaen, uski yojanaye hamare jeevan ke liye aaj ke din ke liye bahut achhi hai. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Aaj ke vachan mein chalenge. Yehovah mera चरवाहा है। आज के वचन में चलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है। यह शब्द सुनते ही हमें दाऊद की याद आ जाती है। बहुतों को तो दाऊद के भजन का वो अध्याय भी याद आ जाता है, वो वचन भी जहां पर यह कलाम लिखा हुआ है, वचन संहिता की किताब का 23 अध्याय उसका पहला वचन। यदि आप सही सोच रहे थे, परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें। भजन की किताब के पहले वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आई शैल नॉट वॉन्ट, मुझे कुछ भी प्रकार की घटी नहीं होगी। ये बात जो है परमेश्वर का वचन दाऊद के माध्यम से हमको बता रहा है। लेकिन फिर भी जीवन में बहुत बार ऐसे होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एंड सडनली इन आवर लाइफ द वेलनेस स्टॉप्स। जो भी अच्छा चल रहा है वो रुक जाता है। मे बी इन योर जॉब,
अ प्रॉब्लम अराइजेस देयर, हो सकता है हमारे नौकरियों में कुछ समस्याएं अचानक से आ जाती है, उम्र बढ़ती है, या अगर हम जवान भी हैं तो हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, मालूम नहीं रहता क्या होने वाला है, कल तक हम अनजान थे लेकिन आज पता चलता है हमें कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने विचारों को अपने माता पिता के सामने में रखते हैं और हो सकता है कि माता पिता के विचार उनके साथ में मेल नहीं खाते हैं। देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन अ लाइफ ऑफ अ पास्टर, अ प्रीस्ट, अ बिशप और अ एवेंजलिस्ट इन कंसर्न टू द कॉन्ग्रीगेशन, चर्च के समस्याएं भी जो है पासवानों के सामने में, बिशप्स के सामने में आती हैं और अचानक से आती हैं, और ऐसे समय में जब हमको कुछ सूझ नहीं पड़ता तो क्या हो जाता है? क्या आप सोच रहे हैं कुछ कि ऐसे समय में जब व्हेन एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से एक सडनली ब्रेक हो जाता है, उसमें अचानक से रुकावट आ जाती है, अचानक से हमारे प्रोग्राम हमारे सोच विचारों के अनुसार नहीं घटता है, सिचुएशन एकदम उल्टी हो जाती है, तब क्या हो जाता है? यू आर डिसअपॉइंटेड, हालेलुया, यू आर डिसअपॉइंटेड, द लाइफ इज डिस्टर्ब, द थिंकिंग इज डिस्टर्ब, हर एक बातें जो हम सोचते हैं हमारा जीवन जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और हम कुछ दूसरे रिलेशनशिप में सोचने लग जाते हैं, दूसरे बातों में सोचने लग जाते हैं। सो जिंदगी में एक मुकाम ऐसा आ जाता है व्हेन एवरीवन फेसेस डिसअपॉइंटमेंट इन देयर लाइफ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, डीलिंग विद डिसअपॉइंटमेंट्स। आज हम जिस वचन को देख रहे हैं वो हमको मिलता है पहले राजा की किताब का 17 अध्याय, उसके 1-16 वचन के आसपास हम रहेंगे, जहां पर हमें एक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की बात हमको मिलती है। डिसअपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको कुछ दूसरे शब्दों का उपयोग करना है तो आप उसके लिए डिस्पेयर यूज़ कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं, होपलेसनेस यूज़ कर सकते हैं, डिस्करेजमेंट यूज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन यूज़ कर सकते हैं हिंदी में, अगर जानना चाहते हैं निराशा जिसको कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट को, और दूसरा हिंदी के लिए शब्द है मायूसी, और मायूसी के लिए भी आप अगर अंग्रेजी में कुछ शब्द चाहते हैं डिसोलेशन, डिस्पायर, डिसअपॉइंटमेंट, डिसोल्यूशन, डिस्पोनेंट, डिस्पोडेंस एंड डिस्पोटेंसी, ये सारे शब्द हमको जो है डिसअपॉइंटमेंट को बताते हैं। लेकिन निराशा होती क्या है, निराशा है क्या चीज़? हमने सबने निराशाओं को फेस किया है, लेकिन हम आज जो है इसके उस अर्थ को देखेंगे जहाँ पर हमको ये भी समझेगा कि निराशा होती कैसी है, आती कैसी है और जाती कैसी है। आज तीनों वचन ध्यान से खुदा के वचन को सुनना, अपनी बाइबलों को साथ में लेकर के बैठे हो तो कुछ नोटिंग भी कर सकते हो आप अपनी किताबों में, और इस प्रकार से आप आपके आगे के लिए जब कभी आप निराशाओं में आ जाएं या कोई निराशा का दौर आपको चल रहा हो, तब जब इस वचन को निकाल करके पढ़ोगे, गॉड विल चेंज योर सिचुएशन, परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा। आज जब हम परमेश्वर के समक्ष में बैठे हुए खुदा के वचन के लिए, एक हफ्ते से हमने इंतज़ार किया रविवार के आने का, और मैंने पिछले बार पूछा था हाउ मेनी पीपल फील हैप्पी व्हेन संडे कम्स, जब इतवार आता है कितने लोग अच्छा महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो अच्छा महसूस नहीं करते थे, तनाव महसूस करते थे, टेंशन महसूस करते थे, जल्दी उठना, तैयार होना, ये सारी चीज़ों से बड़ा परेशानी महसूस करते थे, शायद उन्होंने अब अपने आप को सुधार लिया है, शायद उन्होंने अब अपने रविवार का इंतज़ार करना शुरू कर दिया है। सो इमोशंस, किस प्रकार का इमोशन होता है डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा जब होती है तो क्या, व्हाट इज द इमोशन इन डिसअपॉइंटमेंट, क्या होता है इमोशन, क्या होता है डिसअपॉइंटमेंट एज ए फॉर्म ऑफ सैडनेस, निराशाओं में उदासी का भाव होता है, अ फीलिंग ऑफ लॉस, जैसे कुछ हमारा गुम गया है, एन अनकंफर्टेबल स्पेस, एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और एक पेनफुल गैप हो जाती है हमारे जीवन में, जो पहले चल रहा था और जो अब आप है, आज है, बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन रियलिटी, वो क्या गैप है, दिस इज द गैप बिटवीन आवर एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। आप कुछ सोचते हैं लेकिन हो कुछ रहा है, उसके बीच में जो गैप है, उसके बीच में जो गैप आ रही है, जो अंतर है, जो दूरी है, दैट इज निराशा, दैट इज अनकंफर्टेबल स्पेस, दैट इज फीलिंग ऑफ लॉस, दैट इज सैडनेस, वही हमारे लिए ये चीज़ों को ये हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है। व्हेन वी बिलीव दैट देर इज समथिंग वी मस्ट हैव टू बी हैप्पी एंड फुलफिल, जब हमारे जीवन में हमको लगता है कि कुछ तो अच्छा है जो होना चाहिए, जिससे हम खुश हो सकते हैं और वो पूर्ण होता है, वी कैन सेट आवर सेल्फ अप फॉर
डिसअपॉइंटमेंट। जब हमें सिचुएशन में जिंदगी में कुछ अच्छा लगने लगता है, वो सिचुएशन अच्छी लगने लग जाती है, तो हम अपने जीवन में निराशाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन अच्छी लग रही है तो जाहिर है कि वो सिचुएशन अच्छी नहीं लगेगी। व्हेन एंड व्हाट टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कम्स इन अ कॉमन लाइफ, जिंदगी में कितने प्रकार की निराशाएं जो साधारण तौर पर लोगों की आती है। मैं एक ही शब्द में खत्म करूंगा, हमने निकाल कर रखा है पहले राजा की किताब का 17:1 से अगर हम आगे चल रहे हैं तो आपको वहां पर जिक्र मिलता है एलिया का। एलिया की कहानी हमने पहले भी ली है, एलिया की कहानी हमने पहले भी ली है, और आज जिस कहानी के पर्सपेक्टिव को हमने चेंज किया है और उस पर्सपेक्टिव को चेंज करके हम देख रहे हैं व्हेन अ कॉमन डिसअपॉइंटमेंट अपीयर्स इन आवर लाइफ, when there is a common type of disappointment in life of people or a believer, हम कह सकते हैं विश्वासियों के जीवन में किस प्रकार की एक सामान्यतः निराशा आती है। क्या निराशा आती है? When your brooks dries up, जब आपके नाले का पानी सूख जाता है, हमारे अंदर में निराशा आ जाती है। Everything is going fine, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से नाले का पानी खत्म हो गया। एलिया जिस नाले में छुपा हुआ था, करीत नाम के नाले में, उस नाले के अंदर में पानी भी था और परमेश्वर ने उसको वहां रखा था, कौवे उसको ला करके भोजन देते थे और उस नाले का पानी वो पिया करता था। सडनली द ब्रूक ड्राइज अप, वो नाले का पानी अचानक से एक दिन सूख गया, अब एलिया परेशान हो गया। ये हमारे विश्वासियों के जीवन की सामान्य निराशाओं का अवस्था है, जहां एक ही प्रकार की निराशा। हमारे पास में पैसे का अभाव है, हर एक के पास में अगर पैसे का अभाव हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट कम्स। कुछ रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट कम्स। ये हमारे जीवन में, तो हम उसको एक टर्म देंगे, एक टर्मिनोलॉजी में बांधेंगे और हम ये कहेंगे कि जिस समय हमारे नाले का पानी सूख जाता है, हम निराशाओं में आ जाते हैं। इफ यू ओपन द पेपर और यू टर्न ऑन द टेलीविजन, अटेंड अ फैमिली रीयूनियन और यू गो टू चर्च और गो टू होम, कहीं भी जाते हो आप, अगर आप पेपर पढ़ते, टेलीविजन में न्यूज़ सुनते हो, या किसी फैमिली गैदरिंग में आप जाते हो, या चर्च में जाते हो, या अपने घर को आते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। द लाइफ इज फिल्ड विद डिसअपॉइंटमेंट, हमारे जीवन में निराशाओं से भरा हुआ जीवन है, आपको चारों तरफ दिखने को मिलता है, हर तरफ में निराशाएं दिखती। इवन चिल्ड्रन आर डिसअपॉइंटेड, और बच्चे भी जो हैं डिसअपॉइंट होते हैं। एक छोटा लड़का था जो अपने पिता के साथ उसके काम पर जा रहा था और जाना चाह रहा था, क्योंकि उसके पापा ने उससे बताया था कि वहाँ पर बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। एंड ही वो बड़े शाय किस्म का बच्चा था और बड़ा मूढ़ी बच्चा था, और जब वो घर को आने लगे वापस काम पर से, तो पापा ने उसको पूछा कि क्यों आप उदास दिख रहे हो, वाई यू सीम्स टू बी डिसअपॉइंटेड। यो आपको मालूम है उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, आई नेवर गॉट टू सी दैट एंटरटेनिंग पर्सन ऑन योर वर्क प्लेस। पापा के साथ गया हुआ है वर्क प्लेस में, बहुत कुछ है देखने को, बट उसकी निगाहें किसी एक चीज को देख रही है, वो है एंटरटेनर, जिसके लिए क्लाउन्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली द एंटरटेनर फ्रॉम अ सर्कस। सर्कस में जो हंसी मजाक करते हैं, जोकर जिसको हम कहते हैं, उसको, वो वहाँ पर काम करता है, तो वो बच्चा उसको देखना चाहता था और वो उसको नहीं दिखाई दिया, वो निराश हो गया। बाकी पापा की इतनी बड़ी टूर में, जॉब के अंदर में, ऑफिस देखा, फैक्ट्री देखा, लोग देखा, सब कुछ देखा, मशीन्स देखा, लेकिन उसको किसी प्रकार की खुशी नहीं। क्यों? उसकी नज़र किसी एक चीज़ को देख रही है। मैंने कहा, जब हमारे जीवन में हम कंफर्ट के प्लेसेस बना लेते हैं और उस प्लेसेस से बाहर थोड़ा सा आते हैं, हम डिसअपॉइंटमेंट को फेस करने लग जाते हैं, एक प्रीचर, एक पासवान जो है एक चर्च में भी डिसअपॉइंट हो जाता है। जैसे मैंने कहा, बच्चे डिसअपॉइंट होते हैं, जवान डिसअपॉइंट होते थे, स्त्रियाँ डिसअपॉइंट होती हैं, और जो है लड़कियाँ भी डिसअपॉइंट होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑल्सो आर डिसअपॉइंटेड समटाइम, कई बार वो भी डिसअपॉइंट होते हैं। तो आई एम टेलिंग अबाउट पास्टर और अ प्रीचर और अ बिशप, दे आर ऑल्सो डिसअपॉइंटिंग समटाइम। आई नो अ कपल, एक जो है एक ऐसे जोड़े को हम जानते हैं जो परमेश्वर के भवन में बहुत कम आता है, ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं यहाँ पर, और वो परमेश्वर के भवन में बहुत कम आते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। जब पासवान ने उसको फोन करके पूछा
कि आप जो है कलीसिया में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आप कलीसिया में क्यों नहीं दिखाई देते हैं, तो आप देखिएगा उनके डिसअपॉइंटमेंट का रीजन क्या है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उनके डिसअपॉइंटमेंट का रीजन क्या है। दे सेड इट वाज बिकॉज वी आर नॉट फ्रेंडली, हम बाकी लोगों के साथ में जो है फ्रेंडली नहीं है, मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं हमारी उनके साथ में। देन दे वर नॉट ट्रीटेड अस इक्वली विथ अदर्स, तो लोग जो है हमारे से दूसरों के सरीका व्यवहार नहीं करते, कुछ रिजर्व बिहेवियर हमारे साथ में करते, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दैट कपल। एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर नॉट फ्रेंडली, वो अपने लोगों के साथ में दोस्ताना रिलेशनशिप नहीं है, ज़्यादा परिचय नहीं है, और इसलिए कि लोग उनके साथ में कुछ फिर औपचारिक या अनौपचारिक जिस भी प्रकार से बातचीत करते वो उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो कलीसिया में नहीं आते। सो चर्चेज में भी इस प्रकार की प्रॉब्लम है, और इस बात को सुन करके जो है उनके पास्टर डिसअपॉइंट होते हैं। व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग इन चर्च, why people are not coming in time to church, why people are not paying tithe and donations to the church, kalisiya ko kyun samay par log nahi aate, ye pasbano ka disappointment hai, itna preaching karne ke baad bhi logon mein sudhar kyun nahi hota, ye bishops aur jitne reverend se jo evangelical kshetra mein prachar prasar ka karya karte hain ye unka problem hai। So member may disappoint, sometime member also may disappoint with their pastors, or say sir always they are disappointed with the pastor, जो मेंबर होते हैं वो भी अपने पासवानों से और अपने अगुओं से डिसअपॉइंट होते हैं। सो एवरी पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, हर एक व्यक्ति जो है निराशाओं को झेलता है, जहां उनकी बात पूरी नहीं होती वहां निराशा फेस करने लग जाता है। सो हम कुछ बातों को यहां पर देखेंगे। सबसे पहली चीज हमको ये समझना चाहिए, लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जिंदगी जो है निराशाओं से भरी हुई है। पहली बात इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ ले, ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक भाई जो है एक पासवान एक स्त्री को जो बहुत क्रॉनिक पेन से, मतलब जो बहुत पुराने दर्द की प्रॉब्लम से जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां जाते थे उनको मिलने के लिए दुआ करने के लिए, और वो जो है बहुत तकलीफ में थी, और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, डॉक्टर्स कांट सीम टू फाइंड एनीथिंग टू हेल्प हर, उसके पास डॉक्टर के पास कुछ बचा नहीं था कि उनको उनके लिए कुछ वो करें। लेकिन एक बड़ी वो पासबान बहुत जो है इमेज्ड हो गए कि उन्होंने ये कहा, बट आई एम इमेज्ड हर एबिलिटी टू ट्रस्ट गॉड, उनका स्टेटमेंट था कि मैं जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसके बावजूद भी मैं इस बात से आश्चर्यचकित हुआ कि उनकी परमेश्वर पर जो एबिलिटी थी, योग्यता थी विश्वास करने की, और उस पेन को अपने लाइफ में सस्टेन करने की, मतलब उसको रहने के बावजूद भी वो जो है खुदा के ऊपर विश्वास कर सकती थी, ये एबिलिटी जो है बहुत अच्छी उस पासवान को लगी। तो निराशाओं में आप समझ लीजिएगा कि जो हॉस्पिटल में कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, निराशाएं तो आएगी, जॉब में प्रमोशन नहीं है, निराशा तो आएगी, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं है, निराशाएं तो आएगी, और इस प्रकार से आप ये समझ कर चलिए जिंदगी निराशाओं से भरी हुई है। एक यूथ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बड़े निराशाओं से गुजर रहे हैं, आवर यूथ हैड ए ग्रेट ट्रिप टू अब्रॉड, एक ऐसे अवस्था में एक यूथ था जो विदेश को जाकर के आया, बट देर वॉज सम ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट टू देम, वहाँ पर भी वो जब विदेश में भी चले गए तो उनके लिए एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात थी, और वो जब वापिस आ गए, जिंदगी में हर जगह निराशाएं हम इस बात को देख रहे हैं। कुछ लोग जो है जिनका ब्याह तय हो जाता है और वो कैंसिल हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट में आ जाते हैं। दूसरों के जो है बच्चे होते हैं, अदर्स विद चिल्ड्रन बॉर्न हु नीड सम करेक्टिव सर्जरी, कुछ बच्चे हो जाते हैं जिनको जन्मते ही कुछ सर्जरी की आवश्यकता होती है। दूसरे होते हैं जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, ड्रग डीलिंग्स में जो है फंस जाते हैं, पकड़े जाते हैं, टेरेबल थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत कुछ हो रहा है जो माता पिता को परेशान करता है, डिसअपॉइंट करता है, और हम अपना सुख चैन जो है खोने लग जाते हैं। मैंने कहा जिंदगी में निराशा ही भरी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं तो निराशाएं भरी हुई है। अगर आप इस प्रकार से देखते चले जाते हैं तो आपको निराशाएं दिखाई देती है कि एक हफ्ता पहले, जस्ट दिस वीक वी हैड डील विद द डेथ ऑफ अ यंग मैन हु वाज मर्डर्ड, एक व्यक्ति का जो खून हो गया उसके साथ में जो हमने डील किया,
जिस परिवार का वो व्यक्ति चला गया, कितनी निराशा उसके जीवन में हो सकती। द बेस्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ वेर अहीड, उसके जीवन में सामने में बहुत अच्छे साल थे और उसके उसके साथ में उसके पेरेंट्स के जो सपने थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। आज की सुबह हम जानते हैं कि सुनने वाले बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर रहे हैं। आई नो दिस मॉर्निंग मेनी ऑफ यू आर फेसिंग डिसअपॉइंटमेंट्स। हमारे जीवन में बहुत सारी निराशाओं को हम देख रहे हैं। आई कैन सी द टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन फ्रॉम योर फेस व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड। आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। आई कैन एक्सपीरियंस, मैं उसको रिकलेक्ट कर सकता हूँ कि आपके आंखों से आंसू भी बहते होंगे। आई कैन फील ग्रीफ, आई कैन फील द ग्रीफ इन योर आईज व्हेन यू आर डिसअपॉइंटेड। आपकी आंखों में जो दर्द है वो भी देखा जा सकता है जब आप निराशाओं में हो जाते हैं। मैं उसकी भी बात करना चाहूँगा कि जहाँ पर हम निराशाओं में जाते हैं, वी आर इन अ कन्फ्यूज स्टेट, वी आर फ्रस्ट्रेटेड एंड लुक्स दैट लाइफ लीव्स, ऐसा लगता है जिंदगी हमको छोड़कर चली गई, अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे समय में हम निराशाओं में बंधे हुए हैं। येट आफ्टर द सर्विस, आप इस सभा के बाद बहुत से लोग जो है आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकेंगे और बहुत से लोग धन्यवाद देंगे इस बात के लिए भी कि उन्हें कुछ आशा की किरण, प्रेजेंस ऑफ लिविंग गॉड, उपस्थिति खुदावंत के, जिंदा खुदावंत की उपस्थिति उनके जीवन में दिखेगी और उस उसके वजह से एक आशा की किरण उनको दिखाई देगी। और आफ्टर व्हेन वी फिनिश दिस सर्मन, दे विल बी थैंकिंग गॉड, वो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का वचन हम परमेश्वर का ध्यान से सुने एंड आपको एक बहुत अच्छी अद्भुत आत्मा का अनुभव होगा। आपको परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव होगा कि खुदावन ने आपको अपने हाथ में थाम कर रखा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, द गॉड इज इन कंट्रोल। परमेश्वर सब बातों का नियंत्रण करने वाला परमेश्वर, इफ़ यू ट्रस्ट इन हिम, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो जिंदगी की निराशाओं में भी आप उस स्त्री की तरह जो दवाखाने में भर्ती है आप बड़े आराम से रह सकेंगे। एक अहीतोपेल नाम का एक प्रॉफिट था, उसने अब्सलोम को एक एडवाइस दी और उस एडवाइस के पूरा नहीं होने की वजह से वो अपने घर में गया, अपने परिवार के लोगों को जो सलाह देना था वो दिया और उसने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। क्यों? बाइबल सेज एब्सलोम रिजेक्टेड द एडवाइस ऑफ अहीतोपेल। एब्सलोम ने अहीतोपेल की सलाह को माना नहीं, इसलिए उसको इतना बुरा लगा कि उसने आत्महत्या कर ली। सो आई सेड इन एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ यू कैन एक्सपीरियंस, इफ इट इज नॉट योर लाइफ, अगर वो आपका जीवन नहीं तो आपके सामने में कोई भी लोगों के जीवन में आप देख सकते हैं निराशाएं हमेशा होती हैं। आप इससे विभिन्न नहीं हो सकते, इससे अलग नहीं हो सके। तो पहली बात हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेना कि लाइफ इज़ फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। हमको वहाँ से रास्ता निकालना है और हमारा परमेश्वर हमें उसमें से आगे ले करके चलता है। और एक अच्छी बात, पॉइंट नंबर टू, आज जिस बात को हमने देखी कि पहले के जीवन में निराशा होती है, दूसरी बात, डिसअपॉइंटमेंट्स क्रिएट अ चॉइस। आपके पास में जब निराशाएँ आती है आपको चुनाव का अवसर देती है। ये अच्छी बात है कि चुनाव का अवसर देती है। क्रॉस रोड्स, जैसे चौराहे पर आप आ जाते हैं, आपके सामने में चुनाव है। एक रास्ते से आप आ रहे हैं, आपके सामने में लेफ्ट राइट एंड फ्रंट तीन ऑप्शन होते हैं। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट जब जीवन में आती है, इट गिव्स यू अ चॉइस, इट क्रिएट्स अ चॉइस, है ना। ये चुनाव का अवसर हमको मिलता है। वी कैन स्टॉप एंड बी डिफीटेड, हम रोके जा सकते हैं, हम हराए जा सकते हैं। और वी कैन एक्ट एंड बी ओबीडियंट और वी कैन एक्ट और बी ओबीडियंट, या हम कार्य करते रहें, आज्ञाकारी रहें। दूसरी बात, डिसअपॉइंटमेंट कैन ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन अस और द बेस्ट इन अस। निराशाएं हमारे जीवन में दो प्रकार के काम करती है। आई सेड कि देयर इज, इट क्रिएट चॉइस, जो सबसे बेस्ट है उसको हम हासिल कर लेते हैं निराशाओं में, या जो सबसे वर्स्ट है वहाँ हम पहुँच जाते हैं निराशाओं में। यह हमारी बात है, चुनाव की बात है। और आगे की बात मैं बताना चाहूँगा कि फॉर इज़राइल इट वॉज अ टाइम ऑफ वर्स्ट किंग, एक सबसे खराब राजा था, लेकिन वही खराब राजा उस वक्त में द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ही वॉज। तो वर्स्ट थिंग भी है, बेस्ट थिंग भी है। अगर हमारे जीवन में निराशा है कि हमारा राजा बहुत बुरा है, हमारा एम्प्लॉयर बहुत बुरा है,
या बहुत कठोर है या कठिन है, तो हमारे लिए जो है वहीं पर जो कुछ उसका बेनिफिट भी हम उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। पीपल हैड अ चॉइस। किंग अहाब एंड हिज वाइफ जेजबेल रोट द बुक ऑन इविल एंड एडल्ट्री। आपको ये याद होगी, अहाब और उसकी पत्नी इजबेल, जो उन्होंने जो है एक किताब लिखी, बुक ऑन इविल एंड एडल्ट्री, बुराई और मूर्ति पूजा के ऊपर में उन्होंने किताब लिखी। जेजबेल जो थी, इजबेल जो थी, उसने इंट्रोड्यूस करी बाल देवताओं के आगे वर्शिप, है ना, वर्शिप ऑफ बाल। बाल देवताओं की समर्थक थी और उनकी पूजा, मतलब मूर्ति पूजाओं की, खुदावंद को छोड़ के बाकी लोगों के लिए वो पूजा का समर्थन करती थी। गॉड सेंड एलिजा टू करेक्ट देम। परमेश्वर ने एलिया को भेजा कि इजबेल को वो करेक्ट करे, इजबेल को करेक्ट करे, द अवेकन टू अवेकन देम फ्रॉम देयर ईविल एंड एडल्ट्री। जो इजबेल कर रही है, जो अहाब कर रहा है, उनको इस बात से जागरूक करने के लिए कि आप जो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर ने एलिया को वहां पर भेजा। एज द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल लिव्स, उन्होंने क्या कहा, एलिया ने क्या कहा उसके सामने, पहले राजा की किताब का 17:1, एज द लॉर्ड द गॉड ऑफ इजराइल लिव्स बिफोर हुम आई स्टैंड, श्योरली देर शैल बी नाइदर ड्यू नॉर रेन दिस ईयर एक्सेप्ट बाय माई वर्ड, मेरे कहे तक पानी नहीं गिरेगा। और अगर आप याकूब की किताब में आ जाते हैं, 5:17-18 को पढ़ते, द ड्राउट लास्टेड 3.5 years, 3.5 साल तक में नहीं बरसा, ये बात हमको बताई जा रही। सो परमेश्वर ने जहां पर चॉइस की बात आई, एलिया को भेजा कि उनको करेक्ट करें, लेकिन उन्हें अपने आप को नहीं सुधारा, दे रिजेक्टेड द चॉइस और अपनी लाइन पर बने रहे। और परमेश्वर ने फिर एलिया के द्वारा से क्या किया, अकाल को भेज दिया। इंस्टेड ऑफ रिपेंटिंग जेजबेल वॉज एनलार्ज, पश्चाताप करने के बदले इजबेल जो है और खुल करके मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने लगी, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देने लगी। दिस मीन्स डिजास्टर फ्रॉम एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। और उस जमाने में एक एग्रीकल्चरल डिजास्टर, एग्रीकल्चर बेस्ड यानी खेती किसानी के ऊपर आधारित जो है एक अकाल वहां पर आया। दिस मीन्स डिजास्टर फॉर हर फॉल्स रिलीजन। इसका मतलब होता है कि उसके जो अकाल आया, जो विपत्ति आई, उसके झूठे विधर्म या धर्म के वजह से वहां पर आई। बिकॉज बाल वॉज द गॉड ऑफ थंडर। बाल देवता जिसकी वो आराधना प्रमोट करती थी या उसके लिए लोगों को उकसाती थी, वो ही वॉज द गॉड ऑफ थंडर। वो जो था तूफानों का जो है देवता था, बारिश का देवता था, और अच्छी किसानों की फसल पैदा करने के लिए उसी को लोग पूजा करते थे। लेकिन उसका उसका ये बाल गॉड जो था वो कुछ नहीं कर सका, दे कैन नॉट प्रोड्यूस रेन। जब एलिया ने कह दिया बारिश नहीं होगी, तो बाल देवता बारिश को पैदा नहीं कर सका। एलिजा ट्रू गॉड शट इट डाउन व्हेन ही प्रेड। ये आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर के एलिया ने दुआ करी, भक्त ने दुआ करी और बारिश रुक गई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सो यहाँ पर साबित क्या हुआ, उनको करेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने एलिया को भेजा था। बाल वॉज अ फॉल्स एन इम्पोर्टेंट गॉड। बाल जो था झूठा और बेकार ऐसा देवता था, ये बात जो है उससे साबित हो गई। द बाल प्रॉफिट्स वेर लायर्स। ये भी मालूम हुआ कि जो बाल देवता के नबी थे वो झूठे थे और वो झूठी पूजा आदि को करते थे। इट इज जावे हु क्रिएटेड एंड सस्टेन द वर्ल्ड। यहोवा परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया और अब भी जो है सृष्टि को थाम करके रखता है। अगर इजबेल जो है निनवे के शहर के लोगों की तरह अपने वस्त्रों को फाड़कर धूल में बैठती, तो परमेश्वर ने निनवे को जो है जब बख्श दिया, ऐसे वो इजबेल को भी बख्श देती। लेकिन वो नहीं करते हुए इजबेल ने क्या किया, इजबेल रिटालिएटेड्स एंड स्लॉटर द प्रॉफिट ऑफ गॉड। उसने एलिया को ढूंढना और नबियों को ढूंढना और उनको मारना शुरू कर दिया। एंड नाउ शी स्टार्टेड हंटिंग फॉर प्रॉफिट एलिया आल्सो, एलिजा आल्सो। एंड व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट व्हेन गॉड्स लव इज रिजेक्टेड। एलिया ने जब प्रचार किया, बताया, सब कुछ किया, तो उसको कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। आई सेड पास्टर्स एंड इवेंजलिस्ट एंड द वर्कर्स हु आर बिजी इन प्रीचिंग द गॉस्पेल ऑफ गॉड, हाउ मच दे आर डिसअपॉइंटेड व्हेन द लव ऑफ गॉड इज रिजेक्टेड, डिजेक्टेड। परमेश्वर का जो है प्रेम जब लोग ठुकरा देते हैं तो कितना उनको दुख होता है। व्हेन हिज ग्रेस इज पर्न, और परमेश्वर की दया को ठुकरा दिया जाता है। एंड वी सी समवन कंटिन्यू डाउन टू द रोड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं अपनी आंखों से चिताए जाने के बाद भी कोई जो है अब भी जो है उस रास्ते पर
जो विनाश का है उसके ऊपर मैं चाह रहा, कितने निराशे होते। दिस गुड हैव बीन अ टाइम ऑफ ग्रेट रिन्यूअल इन इज़राइल। इज़राइल के समय में ये समय जहां पर एलिया को परमेश्वर ने उनको सुधारने के लिए बाल देवताओं के इज़बेल को और अहाब को सुधारने के लिए भेजा था, ये एक बहुत बड़ा रिन्यूअल का टाइम हो सकता था, बट दे मिस्ड इट। वो उसको छोड़ दे। आर यू डिसरिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड टुडे? दिस माई क्वेश्चन टू यू। मेनी पीपल डिसरिगार्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन को सुनते छोड़ देते हैं, सुनते हैं छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ एक घंटा उनको कैसे तो भी वचन को सुनना है, ये उनके लिए बहुत भारी काम है, लेकिन उनकी आदत हो गई है। अब उनको भारी नहीं लगता, बैठ जाते हैं तो पता है कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद में जैसे थे वैसे, कोई बदलाव नहीं, कोई परेशानी। आर यू डिसरिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड? माय क्वेश्चन लाइक इज़बेल एंड अहाब, आर यू स्टिल डिसरिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड इन योर पर्सनल लाइफ और इन योर सोशल लाइफ और इन योर फैमिली लाइफ, योर डेटिंग और योर बिजनेस? आर यू डिसरिगार्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड? आपके पर्सनल जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, या आप किसी के साथ में जो है रिलेशनशिप बना रही हैं, आपके बिजनेस में, आप क्या परमेश्वर के वचनों का अपमान कर रहे हैं या डिसरिगार्ड कर रहे हैं खुदावंद के वचन को? इज़बेल की तरह चूज टू सर्व गॉड एंड ओबे हिम। दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू माय लिसनर्स। परमेश्वर के वचन का मान करे, खुदावंद की सेवा करने का निर्णय ले। तो हमने देखा द लाइफ, पहले नंबर पर द लाइफ इज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। दूसरी बात हमने देखा, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट चॉइसेस। अब हम तीसरी बात को देखेंगे, चॉइसेस गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉर्ड टू डू मिराकल। हालेलुया। चॉइसेस गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉर्ड टू डू मिराकल इन योर लाइफ। परमेश्वर, जब चुनाव की बात आती है, चॉइसेस गिव अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड टू डू मिराकल्स। हम इस बात को अब देखेंगे और समझेंगे। सो वी मस्ट नेवर लूज टू अवर इटर्नल पर्सपेक्टिव। हम जो अलौकिक जो दृष्टिकोण होता है हमारे जीवन में, कुछ भी चीज़ घटती है तो एक आत्मिक दृष्टिकोण होता है, एक संसारिक होता है। तो हमें जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, इटर्नल मतलब अनंतकालिक दृष्टिकोण होता है, उसको हमको पकड़ के रखना चाहिए। और हमारे जीवन में जितनी भी निराशाएँ आती है, एक अनदर पॉसिबिलिटी, एक दूसरी संभावना हमेशा रहती है, इस बात को हमको समझना चाहिए। पहले राजा की किताब का 17 अध्याय दूसरा वचन, जहाँ पर परमेश्वर ने कहा, एलिया को कहा, परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुँचा और वहाँ पर उसने कहा, 2 से 4 वचन तक पढ़ते हैं, कि अपने इस जगह को छोड़ दे और उस करेत नाम के नाले में जा करके तू छिप जा जो ईस्ट में है जॉर्डन नदी के, और वहाँ का पानी तू पिया कर, और तेरे निमित्त मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि तुझे वो भोजन देंगे। सो मैंने कहा, देयर विल ऑलवेज बी दोज हु ट्राई टू किल आवर स्पिरिट और डिस्करेज अस। इस बात को भी समझना चाहिए, अगर आप अपने निराशाओं के समय में गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाते हैं या गलत व्यक्ति के विषय में आप सोचने लग जाते हैं सलाह लेने के लिए, सो दे कैन स्पॉइल योर लाइफ, दे कैन किल योर स्पिरिट एंड डिस्करेज यू। आपको निराश कर सकते हैं, बट डोंट फ्राइट, जस्ट स्टे फेथफुल एंड ओबीडियंट। लेकिन भय नहीं खाएं, लेकिन आप जो है फेथफुल मतलब विश्वासियों के बने रहें, आज्ञाकारी बने रहें। एक व्यक्ति के विषय में, एक पासवान के विषय में हम पढ़ रहे थे कि एक पासवान जो है बड़े कठिन मिनिस्ट्री में बड़े कठिन समय से गुजर रहा था। उसका चर्च जो है, उसकी कलीसिया जो कुछ बहुत अच्छी चल नहीं रही थी, और उसके जो फाइनेंसेस है कलीसिया के वो भी बड़े नीचे गिर रहे थे। और ऐसे समय में जब वो खुद परेशान था, एक संडे सर्मन के बाद में उसको एक मैसेज मिला, एक नोट मिला कागज के ऊपर लिखा हुआ, और उसमें लिखा हुआ था कि द लास्ट ट्रेन आउट ऑफ द टाउन लीव्स संडे 2 PM, सो बी अंडर इट। एक ऐसा नोट उनको मिल गया कि उन्होंने कहा कि आखिरी ट्रेन जो शहर से जाती है वो रविवार के दिन 2 बजे जाती है, तो 2 बजे से पहले उसके अंडर में रहना है आपको, टाइम लिमिट, और उससे पहले सब कुछ ख़त्म करना है ताकि हमको 2 बजे की ट्रेन मिल सके। एलिया कुड हैव गिवन अप एंड डाइड। अगर परमेश्वर ने एलिया से कहा उस करेत नाले में जा करके छिप जा, तो एलिया उस बात को सुनता नहीं और वहाँ जा कर छिपता नहीं, तो मर सकता था भूख के मारे, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन उसने अपने सीट बेल्ट को टाइट किया, ये बात हमको समझना चाहिए। एंड गॉड टुक हिम फॉर राइट डाउन मिराकल लेन, और परमेश्वर ने जो उसको आसमान के ऊपर में उठाया, दैट वाज अ मिराकल ही फाउंड, क्योंकि जब वो आज्ञाकारी बना रहा, जब चॉइस उसके पास में था कि या तो करेत नाले में छुप जाए या तो फिर ना छुपे, उसके पास में ऑप्शन था। लेकिन जब परमेश्वर ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, चॉइस देता है, तो वो चॉइस हमको एक ऐसा मौका देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करें। और उस चॉइस में जब एलिया ने इस बात को डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर के हुक्म के अनुसार छिप जाऊंगा,
वहां पर एक आश्चर्यकर्म एलिया के जीवन में हुआ, उसका जीवन बचाया गया, उसका जीवन बचाया गया। इस बात को समझना चाहिए। सो कंसीडर एलिया, एलिजास फूड, एलिया क्या खाता था, इस बात को ध्यान रखें। एलिया ने किस चीज का चॉइस किया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानने का और परमेश्वर के साथ में फेथफुल रहने का प्रण किया। जैसे हमने कहा, बी फेथफुल एंड ओबीडियंट टू गॉड एंड द टाइम ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट के समय में परमेश्वर से विश्वास योग्य और आज्ञाकारी बने रहे। कंसिडर करें उसका फूड, वो क्या खाता था, नाले में का पानी क्या पी सकते हैं, और कौओं के द्वारा से दिया हुआ भोजन क्या वो कर सकते हैं। यू विल ड्रिंक फ्रॉम द ब्रूक एंड आई हैव ऑर्डर द रेवंस टू फीड यू देयर। कंसिडर द फूड ऑफ एलाइजा। वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ, उसने खुदा डिसअपॉइंटमेंट में भी खुदा की निराश हुआ होगा, नाले में रहना पड़ेगा, ठंड है, बिस्तर नहीं है, कैसे छुप करके भी रहना है ऊपर से, तो ये डिसअपॉइंटमेंट उसके जीवन में आई होगी। लेकिन उसने जो खुदावंद के प्रति विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता को छोड़ी नहीं, और इसीलिए एलिया जो है बवंडर के द्वारा से उठा लिया गया, एलिशा देखता रह गया। तो दैट मिराकल वी अलाउ, जब हम उस मिराकल को आज्ञा, मिराकल परमेश्वर कर सकते तभी कर सकते हैं जब हम उसके प्रति आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता में बने रहते, विश्वास योग्य बने रहते हैं। और खुदावंत का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी कौओं को, पहली बात इसको समझ ले, ऑफ ऑल रनिंग ब्रुक में जो है पानी बह रहा है, और लिखा हुआ है कि एक एक आश्चर्यकर्म उसके लिए हो रहा है। इट डिडंट हैव मील्स ऑन व्हील्स, उसके लिए जो खाना जो है वो व्हील्स पर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके लिए क्या क्या आ रहा है, मील्स ऑन विंग्स आ रहा है, और कौआ जो उड़ते हुए आ रहा है, और मील्स ऑन विंग्स गॉड इज अरेंज फॉर हिम, फ्रेश मील्स टू टाइम्स इन अ डे, दो बार परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है। छठवें वचन में आपने लिखा होगा, आपने आप पढ़ सकते हैं, द रेवंस ब्रॉट हिम ब्रेड एंड मीट इन द मॉर्निंग एंड ब्रेड एंड मीट इन द इवनिंग, ही ड्रैंक फ्रॉम द ब्रूक। दो समय खाना मिलता था, सुबह और शाम को परमेश्वर ने उसके सुदील। डिड यू एवर थिंक अबाउट हाउ दे फीड एलाइजा? आप अगर कौओं ने कैसे खाना खिलाया होगा, आपने कभी सोचा होगा? रेवंस आर, ये जो कौवे होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। वो क्या क्या करते हैं, वो सड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, मली मरी हुई चीज़ें खाते हैं, गंदे वस्तुओं को खाते हैं, मटेरियल को खाते हैं, और जो रिफ्यूज़ करते हैं हम खाने के लिए फेंक देते हैं कचरे में, उनको वो खाते हैं। दे फीड ऑफ द फ्लैश ऑफ द डेड, वो मरे हुए को भी, उनके मांस को भी खा लेते हैं। डिड दे, गॉड्स वे मे बी लिटिल स्ट्रेंज, परमेश्वर ने ऐसे कौओं को जो मरे हुओं का भी मांस खा लेते हैं, गंदगी को खाते हैं, झूठन को खाते हैं, कचरे में से कुछ भी उठा करके खाते हैं, परमेश्वर की जो आइडियाज़ होती हैं, मैंने कहा गॉड वेज मे बी लिटिल स्ट्रेंज, हमें आश्चर्य लग सकता है कि परमेश्वर ऐसा करेगा, बट ही विल ऑलवेज प्रोवाइड द रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द टास्क ही आस्क्ड टू यू। परमेश्वर जिस प्रकार से आपको जो काम करने को बोला है, खुदावंद उसकी पूर्ति होगी, इस बात का ख्याल करते हैं, इस बात के लिए सारे रास्तों को खोल करके रख देते हैं। आवर चॉइसेस गिव्स गॉड द अपॉर्चुनिटी टू मिराकल्स, मैंने कहा हमारा चुनाव जो होता है वही खुदावंद को आश्चर्यकर्म करने का मौका हमारे जीवन में देता है, हमारे जीवन में देता है। अब इस बात को ध्यान में रखिए कि हाउ गॉड लीड्स एलाइजा, परमेश्वर एलिया को कैसे अगुवाई कर रहा है। पहले एलिया को डायरेक्टेड, पहले को एलिया को क्या है, एलिजा वॉज डायरेक्टेड गो देयर, उसको जो है आदेश मिला वहाँ जा। फिर एलिया वॉज प्रोवाइडेड ईट देयर, एलिया को उधर पे उसकी आवश्यकता की पूर्ति की गई, भोजन मिला उसको, कहा उधर खा। एलिया वॉज परफेक्टेड गॉड, परमेश्वर को विश्वास करने में एलिया जो है बहुत परफेक्ट था, ट्रस्ट देयर, खुदावंत पर विश्वास बनाए रख, ये बात जो उसके जीवन में आई। फिर एलिया वॉज मोटिवेटेड, उसको जो है जब नाले का पानी सूख गया तो परमेश्वर ने उसको एक प्रोत्साहित किया, लीव देयर, उसको जगह को छोड़ दे। सो वी हैव सीन द चॉइसेस गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द मिराकल्स। नाउ विल सी वन मोर थिंग, चॉइसेस मेक्स अस ग्रो। अब जब निराशाओं के समय में चुनाव की बात आती है, उसमें हमने कहा वो चुनाव की वजह से आश्चर्यकर्म परमेश्वर करने का मौका मिलता है, और जब चुनाव की बात आती है तो हमारा ग्रोथ निश्चित है। इस बात को हम समझें, द चॉइसेस इन आवर लाइफ ब्रिंग्स अस आवर ग्रेटेस्ट ग्रोथ, हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो वृद्धि है वो हमारे जीवन में आती है। सातवें वचन को देखेंगे, पहले राजा किताब का 17 अध्याय, समटाइम्स लेटर दैट ब्रूक ड्राइज अप बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड, नदी का पानी, नाले का पानी सूख गया क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी। व्हेन गॉड पोर्स आउट हिज जजमेंट ऑन द वर्ल्ड इन आंसर टू क्रिश्चियन प्रेयर्स, मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इस संसार के ऊपर में अपने न्याय को उंडेल देता है,
मसीह जब दुआ करते हैं, एलिया ने कहा उस परमेश्वर के जिसके समक्ष मैं खड़ा रहता हूं उसके जीवन की शपथ, मेरे कहे तक बारिश नहीं होगी। परमेश्वर ने गॉड पोर डाउन हिज जजमेंट ऑन द पीपल, वहां के लोगों के ऊपर अपने न्याय को डाल दिया। इट रेन्स जजमेंट ऑन द जस्ट एंड एज वेल एज ऑन अनजस्ट। परमेश्वर जो सब पर अपनी मेह को बरसाता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट गॉड यूजेज योर ट्रायल टू ग्रो योर फेथ। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी परीक्षा चल रही है, जो भी जिसकी वजह से निराशाएं आपके जीवन में, वो आपके विश्वास की वृद्धि के लिए करता है। टेस्ट आपका आज्ञाकारिता का परख के लिए परमेश्वर करता है। एंड गॉड यूजेज द नॉन क्रिश्चियंस ट्रायल टू कॉल हिम टू रिपेंटेंस। अब परमेश्वर जो है जो मसीह नहीं है उनको भी पश्चाताप का मौका मिलने देता है। और आगे आप जैसे इसकी किताब में 9वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पे उन्होंने लिखा, परमेश्वर ने उस एलिया से कहा, गो टू सारपत, सारपत को जा और वहां पर जा करके रह, मैंने तेरे निमित्त एक विधवा को आज्ञा दी है, वो तुझे जो है भोजन प्रोवाइड करेगी। जब हम 7वें से 9वें वचन में यहां पर आते हैं, परमेश्वर जानता था कि एलिया को इस वक्त में विश्राम की आवश्यकता है, रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, फूड की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। बट गॉड न्यूज If he left him sitting by the creek, not only would the creek have dried up, but also his spirit will dry up. परमेश्वर इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि एलिया को विश्राम की आवश्यकता है, उसको रिलैक्स होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर ये भी समझ रहे हैं कि अगर उसको यहीं नाले में बिठा करके रख दिया तो उसके जीवन की जो उसकी आत्मा जो है वो नाले की तरह उसकी आत्मा भी बुझ जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसको वहाँ से बाहर निकाला, कट ऑफ किया उस नाले के जीवन से। और इस प्रकार से जो खाने का इंतज़ार वो करने लगा था वो उसको वहाँ पर बंद किया। और इस सेपरेशन को जो सबसे अलग होकर के वो अकेला छिप करके रह रहा था, उस परमेश्वर ने उस स्थिति को ख़त्म कर दिया और उसको सारपत में भेजा। सारपत का मतलब क्या होता है, वो एक बड़ी फियरी ट्रायल, एक बड़ी परीक्षा की घड़ी वहाँ पर थी उसके लिए। एंड ही प्रोवाइडेड अ विडो वूमन देयर टू केयर फॉर हिम, परमेश्वर ने एक विधवा को वहाँ पर रखा जो उसका ख्याल करे। अब उसको थोड़ा अपग्रेडेशन मिला जिंदगी में। आपने इस बात को सोचा नहीं होगा, एलिया के जीवन को प्रमोशन मिला है। कैसे, नाले के अंदर पानी पीकर कौओं के हाथ का खाना खाना, अब उसका अपग्रेड हो गया, अब एक विधवा स्त्री जो उसको खाना बना करके खिलाने वाली है। सो गॉड टेक्स केयर, परमेश्वर आपका ख्याल करते हैं। और मैंने जो बात बताया कि चॉइसेस मेक्स अस टू ग्रो, अब एलिया के जीवन में प्रमोशन हो गया है, एलिया के जीवन में एक वृद्धि आई है, तरक्की आई है। ये उस चॉइस की वजह से हुआ जो वहाँ निराश होते हुए भी उसने चुनाव किया, यस आई विल फॉलो व्हाट गॉड सेड टू मी, परमेश्वर ने जो मुझे कहा मैं उसको फॉलो करूँगा। सो परमेश्वर ने उसको वहाँ पर अपग्रेड किया। अब एलिया परमेश्वर पर विश्वास रखने लगा इस बात से कि खुदावन ने उससे कहा तू वहाँ जा, अब मैंने वो स्त्री को आज्ञा दी है ना, स्त्री को आज्ञा दी। एंड गॉड वॉन्टेड टू रेस्टोर हिज ट्रस्ट, परमेश्वर उसका जो विश्वास था उसको बनाए रखना चाहता था, इसलिए अब नाले का जीवन खत्म करके उस विधवा के पास उसको भेजा। अब वहाँ पर आपको पता है वहाँ अकाल के दिनों तक उसका तेल और आटा खत्म नहीं हुआ, तो एलिया भी वहाँ पर है और वो स्त्री भी वहाँ पर है, इस प्रकार से वो वहाँ पर चल रहा है। सो ही सॉ द विडो, उसने उस स्त्री को देखा और उससे कहा कि तेरे पास क्या है, आप कहानी को जानते हैं। और उसने वो सब कुछ किया, बना के लाया। एंड ही बिकम ए मैन ऑफ कंपैशन एंड लव, तरस और दया से भरा हुआ वो व्यक्ति वहाँ पर बन गया। तो खुदावंद के कलाम में जब हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जब विधवा का बेटा मर गया, शी केम टू एलिशा, वो एलिया के पास आई और उससे कहती है मेरा बेटा मर गया है। एलिया उससे कहता है तेरा बेटा मुझको दे दे, और उसको लेकर वो ऊपरेली कोठरी में गया और उसके लिए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उस बच्चे को वापस जीवन में भेज देता है। द लॉर्ड हर्ड एलिशा'स क्राई एंड द बॉयज लाइफ रिटर्न टू हिम एंड ही लिव्ड, परमेश्वर ने एलिया की पुकार को सुना और उस बच्चे को जीवन दिया और वो जीने लगा। वो मर गया था, वो जीने लगा। एलिया पिक्ड अप द चाइल्ड एंड कैरिड हिम डाउन, एलिया ने उस बच्चे को उठाया और नीचे लेकर के आया और उसकी माँ के हाथ में दे दिया और उससे कहा लुक योर सन इज अलाइव, उससे कहा देख तेरा बेटा जिंदा है। ही बिकेम मोर कंपैशन, उसके पास में बहुत ही बिकेम मोर कंपैशनेट,
वो बहुत ज़्यादा जो है दयालुता बन गया, और यहाँ पर रहने के बाद में परमेश्वर ने उसके साथ एक आश्चर्य कर्म को और किया। अब इस 17 अध्याय के 22-23 वचन में जब आते हैं तो यहाँ पर मेरा एक सवाल है, मे बी योर ब्रूक हैज़ ड्राइड अप, हो सकता है आपके जीवन में आपके जो रिसोर्सेस हैं नाला सूख गया, मतलब जहाँ से आपको खाना पीना मिलता था, जहाँ से आपको आराम और चैन और बड़ी शांति मिलती थी, अब वो परिस्थिति खत्म हो गई, सिमट गई है, अब आपका नाला सूख गया है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस जो कंडीशन इस वक्त में बड़े बुरे हैं, ये भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन खराब हो सकती है, या हो सकता है कि आपके बच्चे आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी जो ब्याह, योर मैरिज इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्टेड, आपने ब्याह किया कुछ सोच करके, और हो सकता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन जो था उस स्त्री से वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। हो सकता है स्कूल हैज बिन हार्ड, आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं वो स्कूल हार्ड हो सकता है, हो सकता है जिस बिजनेस में आप हैं वो स्लो होगा, वो धीमा होगा, तो आपकी इनकम नहीं हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, और इस प्रकार से खुदावंत का वचन कहता है डोंट डिस्पेयर, रिमेंबर एलिय्याह, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एलिय्याह को याद करें, आप एलिय्याह को याद करें। अब जब आप एलिय्याह को याद करते हैं तो मैंने जो 5 बातें आज आपके समक्ष में रखी है वो आपका साथ देगी। मैं थोड़े से समय में आपको ये बताना चाहता हूँ, हाउ डू यू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट, आप कैसे जो है डिसअपॉइंटमेंट निराशाओं से बच सकते हैं। पहली बात, एक्सेप्ट हाउ यू फील, आपको जो भी महसूस हो रहा है उसको आप स्वीकार कर लें। दूसरी बात, रिमेंबर यू आर नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट, आप निराशा नहीं है, आप व्यक्ति हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके जीवन में निराशा है, आप निराशा नहीं है, उससे सीखें। तीसरी बात, लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखें। और चौथी बात जो है, अपने आप को ये बताएं, डिसअपॉइंटमेंट विल हैपन इफ यू गो आउटसाइड योर कम्फर्ट जोन, आपके जीवन में निराशाएं आएगी जब आप जो है अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आते हैं, निराशा आ जाती है। आपके पास में कार थी, आप बहुत कम्फर्ट जोन में चल रहे थे, आज आपने कार को बेच दी है या आपकी कार खराब हो गई है, अब आपको जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट से चलना पड़ता है, टैक्सी हायर करनी पड़ती है, तो आप अपने कम्फर्ट जोन के बाहर आ गए, अब आपका समय बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं, आप डिसअपॉइंटमेंट में जाते हैं। वेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, डिसअपॉइंटमेंट विल हैपन। रिफोकस ऑन वॉट यू स्टिल गॉट इन योर लाइफ, आपके जीवन में एक बात से निराशा आई है, शायद स्कूल से, चाहे बिजनेस से, चाहे पत्नी से, या रिलेशन से, या चर्च से, या बच्चों से, एक बात में निराशा आई होगी, आप अपने जीवन के बाकी चीजों पर रिफोकस करें, आपके जीवन में दूसरा जो कुछ भी है उसके ऊपर में फोकस करें। टॉक इट विथ सम अदर पर्सन हु आर वेरी क्लोज टू यू, आपको अवॉइड करने का है निराशाओं को, तो इसके विषय में जो बहुत नजदीक है आपका व्यक्ति, उससे आप बातचीत करें। अगर आपका एक्सपेक्टेशन जो है और आप परफेक्शन को चाहते हैं तो उसमें एडजस्टमेंट कीजिए। अगर आपको परफेक्शन चाहिए, आपके जो डिज़ायर्स हैं उसको, तो उसमें एडजस्टमेंट कीजिए, कभी थोड़ा कम और कभी थोड़ा ज़्यादा, आपको उसको एडजस्ट करना है, आपको उसको बर्दाश्त करना है। टेक अ ब्रेक, आप जो है एक ब्रेक ले लें, अब आप जो कुछ भी कर रहे थे, चाहे बिजनेस हो, मैंने कहा चाहे जो भी बात, एक ब्रेक ले ले, आप शांत हो जाए। और लिखा हुआ है कि इस प्रकार से करने से आप अपने निराशाओं को अवॉइड कर सकते हैं। गेट आउटसाइड ऑफ योर ओन हेड, आपके अपने दिमाग से बाहर निकल जाए। हर समय हम हमारे दिमाग में सोचते रहते हैं, अपने दिमाग से स्वयं को बाहर कर लें। फाइंड एनर्जी एंड मोटिवेशन अगेन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों से जो है एनकरेजमेंट ले, मोटिवेशन ले, और ऊर्जा को हासिल करें। ये 10वां स्टेप है, आप अपनी निराशाओं से बच सकते हैं। फाइंड अ स्मॉल स्टेप टू स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड अगेन, एक छोटा सा कदम ले जहां से आप आगे मूवमेंट कर सकते हैं, ये आपके निराशाओं को ओवरकम करने का एक तरीका होगा। इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम, अपना जो मान है खुद के पास में उसको बढ़ाएं, और इस प्रकार से आप जो है निराशाओं से बाहर निकल सकते हैं। सो यू कैन अवॉइड योर डिसअपॉइंटमेंट इन दिस वे। एंड वेन योर ब्रूक्स ड्राइज अप, जब आपका नाला सूख जाता है, आपके रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं, पहली बात जो आपको करने का है, ट्रस्ट एंड ओबे गॉड। दूसरा, लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। थर्ड थिंग, होल्ड ऑन टू योर फेथ। फोर्थ थिंग, बी रेडी फॉर एक्शन। फिफ्थ, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, परमेश्वर आपका ख्याल करेगा। आप इस बात को समझ लें, मैं इसको हिंदी में बता देना चाहता हूँ, जब आपका नाला जब सूख जाता है, आपके जीवन के जीवन में जो है कुछ परेशानी आ जाती है, पहली बात परमेश्वर पर विश्वास करें, उसकी आज्ञाकारिता करें। दूसरी बात, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने।
तीसरी बात अपने विश्वास को जो पकड़ के रखे, चौथी बात क्रिया करने के लिए तैयार रहे, पांचवी बात एक आश्चर्यकर्म की मिराकल आश्चर्यकर्म की इंतजार करें, फॉर गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, परमेश्वर आपका ध्यान रखेगा। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे इन वचनों के द्वारा से। आइए इस वक्त में हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, रविवार का दिन खुदावन तेरे कलाम के खुलने से हमारे लिए मार्ग में उजियाला होता है प्रभु। आज हमने रविवार के दिन तेरे वचन को सुना तेरे भवन में बैठकर, और खुदावन इस वक्त में पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं समस्त सुनने वालों के जीवन में जिस भी प्रकार के निराशा है खुदावन तेरे वचन के दायरे में, खुदा जो आपने बातचीत की पिता परमेश्वर उसके दायरे में खुदा उनकी निराशाएँ प्रभु जी खत्म होने पाए पिता, और उनको नई आशा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत दीजिए खुदावन। वो बिखरने न पाए, टूटने न पाए इन निराशाओं के दौरान, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। एक नया आश्चर्यकर्म उनका इंतजार कर रहा है प्रभु, ये बात उनको आप बताइए, उनके जहन में डालिए, और खुदा वो उसके उम्मीद से उस आश्चर्यकर्म को हासिल करने के लिए खुदा वो आगे बढ़े, यही हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर, धन्यवाद पास्टर साहब सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हमें निराशा से निकालता है। निराशा मनुष्य को कमजोर बना देती है, बट आशा जो प्रभु यीशु में है हमें बलवंत करती है। यही वचनों से हमने सीखा, और हम उस आशा में आगे चले ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को और आशीषित करे और हम प्रभु के पास हमेशा पाए जाए। अब समय है कि हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये भेंटों को परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम अपनी भेंटों के लिए प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते क्योंकि आपने हमें बल सामर्थ दिया है। प्यारे प्रभु, आपने हमें जूतों की भूमि में जीवित रखा, आपने इस महामारी के समय में भी हर एक को प्यारे प्रभु बचाया, जरूरतों को पूरा किया, और प्यारे प्रभु सब बात में प्यारे प्रभु हमें अच्छा रखा, स्वस्थ रखा और घटी को पूरा किया। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं जो भेंट पात्र में भेंट आ रही है उसे आशीषित कीजिए, घर के खत्ते भरे पूरे रहे, आसमान के झरोखों को खोलकर हर एक को प्यारे प्रभु बेपरिमाण आशीष से आप भर दीजिए, जिससे परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति जो आज प्यारे प्रभु हमारे साथ जुड़ा है और परमेश्वर जो जुड़ेगा वो सब यह आशीष को प्राप्त करे। प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपनी भेंटों को भेंट पात्र में डालकर एनवेलप में रख सकते हैं और पांच बांध तक उस भेंटों को आप जरूर पहुंचाइए क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है। अगर हम उसे भवन में दें तो ये दुगना और चौगुना होता है। ये आशीष को हम हमेशा अपने जीवन में रखें और देखे कि हमें कोई प्रकार की घटी नहीं होती है। तो जब गीत हो रहा है हम अपने बेटों को भेंट पात्र में डालें।
तेरी करेंगे जीवन भर हम है प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम है प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे सेवा तेरी करेंगे दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी प्यारों जीवन भी दे देंगे ऐसी सेवा में प्यारों दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी प्यारों जीवन भी दे देंगे ऐसी सेवा में प्यारों सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम है प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे सेवा तेरी करेंगे दुश्मन को शैतान से डरते नहीं हम मरना है सबको एक दिन शहीदों के क्यों ना मरे हम आने तो दुश्मन को शैतान से डरते नहीं हम मरना है सबको एक दिन शहीदों के क्यों ना मरे हम सेवा तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे तेरे लिए ही मरेंगे सेवा तेरी करेंगे लला ला 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 नवंबर महीना आ चुका है और कुछ ही दिनों के बाद हम दिसंबर माह में प्रवेश करने जा रहे हैं। दिसंबर हमारे लिए खुशियों का महीना होता है क्योंकि यीशु जन्मा है। यीशु तो कई साल पहले जन्मा है पर ये खुशियाँ हमें बताती है कि यीशु का जन्म हुआ था मेरे लिए। तो आइए उस खुशियों के साथ हम आने वाले समय मनाएंगे और जो भी आप कर सकते हैं अपने घरों में करिए। आप अपनी टेस्टिमनीज को लिखकर या फिर वीडियो करके आप भेज सकते हैं जिससे आपकी टेस्टिमनीज भी कभी ना कभी सुनाई जा सकती है और लोग उससे प्रोत्साहित होकर प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। तो आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए अंतिम प्रार्थना और परमेश्वर की आशीष लेने के लिए। आमंत्रित करती हूँ पासवान प्रकाश बेंजामिन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई प्रार्थना को बोलेंगे। आइए एक साथ प्रभु की प्रार्थना बोलें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आशीर्वाद वचनों को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमें से हर एक के साथ, विश्व के समस्त विश्वासियों के साथ यीशु मसीह के फिर से बादलों पर आने तक होती रहे। सब मिलकर के कहेंगे आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दें, जिंदगी में निराशाओं से न डरें लेकिन वचन का मनन करें, बार बार सुने। खुदावंद का वचन ने एलिया के जीवन के मार्फत जो हमसे बातचीत किया है, खुदावंद किसी का पक्षपात नहीं करता। जितना एलिया खुदावंद को प्रिय था आप भी उतने ही प्रिय हो। थैंक यू।